निधा, निधा अगर आइंदा किसी और का गुस्सा मुझ पे निकालना हो तो प्लीज मुझे किसी अच्छी रोड पर गाड़ी से निकालना। तुमने मुझे ऐसी जगह उतार दिया था जहां मेरे साथ पता नहीं क्या कुछ हो सकता था। लेकिन कुछ हुआ तो नहीं ना? क्यों नहीं हुआ? कुत्ते की तरह भगाया है उसने, मोबाइल पर सब कुछ ले गया। कोई बात नहीं, एटलीस्ट इज्जत तो बच गई ना तुम्हारी। हाँ, थैंक गॉड। अब तुमने हमेशा की तरह अपना माचो मैन का पर्सनालिटी स्विच क्यों नहीं ऑन किया? अरे मेरे सब स्विच ऑफ हो गए थे उस वक्त, ऐसी मनहूस शक्ल थी उसकी, आई स्वेयर। और तो और, मैंने जकी को फोन किया कि मुझे आके बचा लो, लेकिन वो साहब वो थोड़ी आएंगे। और तुम हो कि उस बुजुर्ग से शादी करने पर तुली हुई हो। जिमी शायद उसने मजाक समझा होगा, क्या हो गया तुम्हें? हेलो, मेरा उसका कोई मजाक नहीं है बाय द वे, मैं उसको बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ तुम्हारे साथ। जेलस हो रहे हो क्या? मैं जेलस होऊंगा? तुम्हारा उसके साथ कोई मैच ही नहीं है। उसके बट ठीक कहते थे, अगर शादी के बाद उसने कहा कि मैं बोर हो गया हूँ फिर क्या करोगे? दुआ करो कि मैं शादी से पहले ना बोर हो जाऊं। मैं तो दुआ करता हूँ कि तुम आज ही बोर हो जाओ उससे और अपने काम पर कॉन्सेंट्रेट करो। वो मुझे अच्छा लगता है, मैं कुछ नहीं कर सकती इस दिल का, उसके सिवा किसी और पे कॉन्सेंट्रेट भी नहीं कर सकती मैं। निधा देखो, निधा प्लीज प्लीज ऐसा मत कहो। जस्ट कीप हिम एज अ फ्रेंड, ओके? दो साल तक शादी का सोचो भी नहीं। वैसे भी उसके अब्बा अम्मा शादी थोड़ी करने देंगे। आंटी का फोन आ रहा है। हेलो। हेलो निधा, डू यू हैव एनी आइडिया वेयर ज़की इज? कुछ बता के नहीं गया कि कहाँ है वो। क्या मतलब आंटी, मैं समझी नहीं, कहाँ गया ज़की? पता नहीं कहाँ चला गया, मैं तो समझ रही थी कि तुम्हें बताया होगा उसने। नहीं, मेरी तो ऐसी कोई बात नहीं हुई, फिर वो कहाँ जा सकता है? मैं तो खुद सोच सोच के ये परेशान हो रही हूँ, कभी उसने ऐसा नहीं किया। लेकिन गया क्यों? तुम्हारी वजह से सिर्फ गया है, अपने पापा से नाराज होके। अच्छा सुनो, अगर वो तुमसे कॉन्टेक्ट करे डू लेट मी नो बेटा प्लीज। जी आंटी, मैं आपको बता दूंगी, मैं उसे मेल करती हूँ, आप टेंशन ना लें। ओके बाय। थैंक यू, बाय। क्या क्या हुआ? ज़की मेरी वजह से घर छोड़ के चला गया। I'm so proud of him.